नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 6 और 7 जुलाई का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दो दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए यश में भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दो दिनों में और भी ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों 6 जुलाई की बात करें तो मंगलवार हनुमान जी का दिन होगा। इस दिन दोस्तों कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और कृतिका नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो शूल नाम का शुभ योग के साथ ही इस दिन गंड नाम का भी योग रहेगा, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति आपको देने वाले हैं। राहु काल का इस दिन समय रहेगा अर्थात अशुभ समय, ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों यह समय रहेगा शाम के 3:52 से लेकर शाम के 5:32 तक। और दोस्तों चंद्रमा दिन वृषभ राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें अर्थात 7 जुलाई की, तो इस दिन दोस्तों बुधवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और इस दिन रोहिणी नाम का नक्षत्र रहेगा। ये दोस्तों इस दिन जो है योग की बात करें तो वृद्धि नामक शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। राहु काल का समय इस दिन दोपहर के 12:31 से लेकर दोपहर के 2:12 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि पर ही संचार करेंगे, यानी कि दोस्तों दोनों ही दिन में चंद्रमा जो है वृषभ राशि पर ही रहेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दोनों में जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह वृषभ राशि में गोचर करना आप जो बोली कि या क्या भाग्यशाली स्थितियाँ लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इन दिनों में नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए दिन जो है शुभ रहेगा। भाई बंधुओं से इन दिनों में लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ के योग हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में विद्यार्थी अपना अभ्यास जो है सफलतापूर्वक कर सकेंगे। उत्साह तथा स्वास्थ्य यश में जो है बनी रहेगी। नए कार्यों के आरंभ के लिए दिन शुभ है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में भूमि भवन संबंधित विवादों में आप जो है फंस सकते हैं। यश में इनका आपको सामना करना पड़ेगा। परिश्रम की यश में जो है अधिकता होगी। यात्रा में आपको कष्ट हो सकता है। कारोबार में इन दिनों जो है उतार चढ़ाव की संभावना है। वहीं दोस्तों इन दिनों में न्यायालयीन कार्यों में उलझनों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में दौड़ भाग की अधिकता यश में जो है रहेगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे व्यावसायिक परियोजना के विस्तार का समय हो सकता है। आप अपने क्रिएटिव आइडिया से कुछ अच्छा लाभ कमाने की स्थिति में यश में रहेंगे। इन दिनों में ख्याति मिलने के जो है बहुत अच्छा योग बन रहा है। दोस्तों कुछ लोगों को अपने किसी खास मित्र के जरिए नया जॉब या फिर बिजनेस का ऑफर मिल सकता है। ये जो समय होंगे आपके लिए काफ़ी लाभप्रद समय होगा। आपको वजन के काम करने के लिए थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि आप अपने शरीर से ज़्यादा वजन अगर अपने ऊपर लेते हैं तो दोस्तों इनमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इन कामों को आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो करियर के लिए ऐसे ये दिन अच्छा रहेगा। आपके काम जो है यह समय जो है आसानी से पूरे हो सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में जमीन जायदाद के मामलों में पड़ने से आप बचें, अन्यथा कानूनी विवाद में आप फंस सकते हैं। आपका व्यवहार जो है आपको आपका पार्टनर जो है उसका मन जो है खुश कर देगा। तरक्की के नए मार्ग यश में खुलेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आप जिसके साथ एक बार जुड़ जाएं समझिए आजीवन उसका साथ देने वाले हैं। किसी भी हाल में अपने साथी से दूरी बनाकर नहीं रख सकते। जिसके भी साथ वे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं उनके प्रति वे हमेशा ईमानदार रहेंगे और उनके बिना अपने जीवन को कुछ नहीं मानेंगे। दोस्तों यश में ये जो आपके लिए दिन होंगे इन दिनों में आपको जो है अपने जीवन साथी से पूरा समर्थन और सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इन दिनों में आपका स्वास्थ्य के मामले में जो समय होंगे आपको जो है सितारों का साथ मिल सकता है। इन दिनों में आपको अत्यधिक काम का बोझ के कारण जो है थकान का भी अनुभव होगा, लेकिन सितारों के साथ के कारण आप उन कामों को करेंगे लेकिन थकान महसूस होगा,
थकान किसी का भी रोग उत्पत्ति के कारण बन सकती है, इसका आप खास ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों किसी काम के बीच में आराम के लिए जो है समय आप अवश्य निकालें। दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सिल्वर और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। वहीं दोस्तों इन दिनों में गणेश जी की दृष्टि से ये जो आपके लिए समय होंगे थोड़ा कठिनाई भरा समय होगा। नौकरी व्यवसाय में आपको कोई बाधा या फिर तकलीफ नहीं होगी, परंतु माता पिता के साथ जो है मतभेद होने की पूरी शक्ति है। अतः दोस्तों गणेश जी माता पिता के विचारों के साथ अनुकूल होने तथा समझदारी व्यवहार अपनाने की सलाह देती हैं। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत ही डिमांडिंग होगी, इसलिए कुछ कठिन चुनौतियों के लिए आप यश में तैयार हो जाएं। मीटिंग में जो है भाग लेने से आपको यश में बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वे जो समय होंगे वे आपको अधिक घबराहट देंगी। संघर्ष से बचने के लिए आपको जो है दबाव में शांत रहने की जरूरत होगी, ऐसा गणेश जी का सुझाव है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे परिजनों से अधिक उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी आपको जो है प्यार के मोर्चे पर औसत दिन की उम्मीद कराते हैं। दोस्तों इस समय आपको जो है सावधान रहना होगा ताकि आपके शब्द आपके पीर को चोट न दे। सुनिश्चित करें कि आप जो कर रहे हैं अहंकार आपके दिमाग पर शासन नहीं करे और जो है ना ही आपके रिश्तों को भी यह प्रभावित करे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे जो आपको कोई भारी खर्च का संकेत नहीं मिल रहा है, आप ये जो समय होंगे इन दिनों में फाइनेंशियल मजबूती को लेकर चिंतित रह सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो दोस्तों ये जो समय होंगे आपका फाइनेंस अच्छा होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में ये जो दिन होंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, आपको निजी जीवन में जो है खुशी मिलेगी, साथ ही आपको पेशेवर जीवन में भी संतुष्टि मिलेगी। ऑफिस में आपके जो काम हैं अच्छी तरह से होगी और उन्हें सराहना भी की जाएगी। ये जो है दोस्तों समय आपको और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करेगा। कुल मिलाकर आपको चारों ओर जो है यह समय खुशियाँ ही खुशियाँ रहने वाली है। वहीं दोस्तों इन दिनों में स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। आप अपने स्वास्थ्य के चलते जो है अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। दिन निवेश करने से इन दिनों में आप बचें। ये जो समय होंगे पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र रहेंगे। प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसे न सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बल्कि अपने पीढ़ी के साथ बांटना भी चाहिए। अचानक ये जो समय होंगे आपके लिए काम से छुट्टी लेने का प्लान बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौता का नाम है? अगर हाँ तो आप ये जो समय होंगे हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छा घटना थी। दोस्तों समय मुफ्त जरूर है पर बेकिस्मती भी है, इसलिए अपने अधूरे कार्यों को निपटाकर आप अपने आने वाले दिनों के लिए जो है चिंता मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे लंगड़े अपाहिज व्यक्ति की सेवा करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह इन दिनों में सुदृढ़ होगी और आने वाले समय भी आपका बेहतर होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें किस्मत और पेशे के लिए रेशमी या फिर शुद्ध काला धागा बाजार से लाएं और मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन भी आप ये धागा जो है हनुमान मंदिर में ले जाएं। इसे धागे में से 9 छोटी छोटी गांठ बांध लें। इस धागे में जो है हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगा दें और इस धागे को अपने घर के जो है मेन दरवाजे में बांध दें या दोस्तों या फिर तिजोरी में भी आप बांध सकते हैं। इसे दोस्तों आपके घर में पैसे की आवक बढ़ जाएगी, ऐसे धागे से आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। तो दोस्तों इन उपायों को यश में जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी होंगे। और साथ दोस्तों और ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।